कवितेचा दुसऱ्या भागाचा स्पष्टीकरण, थरथरणाऱ्या अनेक ज्योती एक होऊन मशाल बनूया, विश्वातील अवेक्य दुरितांना तेज पथाचे यात्री करूया, या ओळीद्वारे कवी जयवंत कुमार त्रिभुवन असे म्हणतात की भीतीने थरथरणाऱ्या अनेक ज्योतींना मोठी मशाल करूया। कवि जयवंत कुमार कह रहे हैं कि भाई डर की वजह से जो कांपने वाली रोशनी है उसको बड़ी मशाल बनाकर दुखी सोचनाऱ्या माणसांना एकत्र आणून, जो गमजदा लोग है उनको एक खट्टा करकर त्यांच्या जिद्द पेटवाय, उनके अंदर जीत लाना है। जगातील दुखितांना, जो पूरी दुनिया के जो लोग है उनको उजाला बताना है, प्रकाशाच्या वाट्यावर प्रवासी करूया, उनको जो है हमें उजाले के सफर में साथ ले जाना है, प्रकाशाचा मार्ग त्यांना दाखवूया, उनको जो है रोशनी का रास्ता हमें बताना है। दुरित गुनेगार अवज्ञा तमाम पथ रास्ता तेज रोशनी, अंतर मंदिरी तेज भरूया, तिमीर बंधने तोडून सारी, चराचराला प्रकाश देऊया, या ओळीद्वारे जयवंत कुमार असे म्हणतात की देवघरात मंदपणे तेवणाऱ्या निरंजनाशी आपले मजबूत नाते, जसे एकादी मस्जिद या मंदिर के मैराम के अंदर जैसे कोई चराग रोशनी देता है लोहे का, उसे मजबूत उसके जैसा हमें मजबूत रिश्ता बनाना है। आपण आपल्या मनरूपी मंदिरात तेज प्रकट करूया, यानी हमें हमारे दिल के मंदिर के अंदर चमक पैदा करनी, अंधाराची सगळी बंधने तोडून साऱ्या सृष्टीला प्रकाश देऊया, जो अंधेरे की सब सरहदें है उसको तोड़कर पूरी दुनिया में हम उजाला फैलाएंगे। निरंजनाशी लोखंडा सा दीवा, तिमिर अंधार तेज चमकदार, चराचरारा निसर्ग कुदरत, बंधने बंधनी करण्याचे साधने।